आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। आप जानती हैं मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, कौन नहीं जानता आपको। आप हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अरुणा ईरानी, जिनकी अभिनय यात्रा के कई पहलुओं के बारे में जाना हमने पिछले हफ्ते। बस कहाँ जाती है? मेरा मतलब है, इस बस का आखिरी स्टॉप कौन सा है? भाई ये बस कहीं भी जाए, लेकिन अरुणा जी की अभिनय की गाड़ी तो सही ट्रैक पर चल रही थी। फिल्म स्टार बनने के शौक में घर बार छोड़ देना। आपको कैसे मालूम? जिंदगी में गलत कदम उठाया था, उसी के बारे में सोच रही हूँ। यानी कि हिम्मत कम और इरादे बड़े। आज आप सुनेंगे अभिनेत्री अरुणा ईरानी से संगीता श्रीवास्तव की इस बातचीत का दूसरा भाग। है, सवाल क्या है? एक रेखा को बिना काटे बिना मिटाए छोटी बनाओ, यही ना? हाँ माँ। ये देख, रेखा मिटी भी नहीं और छोटी भी हो गई। अरे किताब में भी यही जवाब लिखा है माँ। अरे सीमा, तुम तो बड़ी अकलमंद हो। ये अकल की बात नहीं, अनुभव की बात है। वो कैसे? जब मैं पांचवी क्लास में पढ़ती थी तो माँ ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। फिर कुछ महीने बाद माँ चल बसी। माँ की मौत का दुख इतना बड़ा था कि पढ़ाई बंद होने का दुख एकदम छोटा सा हो गया। बस इस अनुभव से मैंने सवाल हल कर लिया। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी आपसे बातचीत हो रही है और आपने विविध भारती के चाहने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए इतना खूबसूरत सा समय निकाला, तो ये समय की बहुत बड़ी हम लोगों को देन है। देन नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है भाई। जो हमारे लिए समय निकालते हैं, जो हमारे फैन बने हैं, वो भी तो समय निकाल के हमारी पिक्चरें देख के हमें पॉपुलर करते हैं, उसके लिए मैं भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी। थोड़ी सी यादें बांटी है मैम, बॉम्बे टू गोवा और संजोग की बात। बॉम्बे टू गोवा पहले आई थी जी, और बॉम्बे टू गोवा सुपर हिट हुई थी। अमित जी भी नए, मैं भी नए, तो हमको महमूद साहब और एनसीसीपी वो प्रोड्यूसर थे दोनों, और उन्होंने हमें ब्रेक दिया हम दोनों को, एंड वी डिड दिस फिल्म। यादों में उसमें डेफिनेटली तब तक मैं थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना सीख गई थी। तो उनको जब फर्स्ट डे सेट पे गए, माय गॉड, ही कुड नॉट डू दैट। और वो मस्ती, वो पहले से बहुत सीधे थे, बाद में इतने मस्ती खोर हो गए वो, पर ही वॉज वेरी क्वाइट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, और ये सब उनसे हो नहीं पा रहा था। बट अल्टीमेटली उन्होंने फर्स्ट डे हमारी शूटिंग कैंसिल हुई। उस दिन सारा दिन अमित जी को रिहर्सल करवाया और दूसरे दिन शूटिंग रखी, और हम सबको सिखाया गया जैसे सुरेश मास्टर जी ने मेरे लिए किया था ना जी, वाह वाह क्या हाथ उठाया है, ओहो क्या गर्दन झटकी है, सेम थिंग वी वर टॉट। अब महमूद जी ने बोला सबको यही करना है, तो जैसे वो रिहर्सल करे, कल रिहर्सल और आज की रिहर्सल में वेरी गुड, अरे वाह, एवरीबॉडी वुड क्लैप। इस तरह उनको मेरी तरह जैसे मेरा चक्कर चला था ना, वैसे उनका चक्कर चलाया गया और उनको डांसर बनाया गया। फिर अमित जी ने सोचा कि फिल्म लाइन में आके डांसर तो बनना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने खुद से मेहनत करके अपने आप को इतना सिखाया कि आज कोई उनकी बराबरी में नहीं है। देखो ना वो जोश, वो पैशन, वो। हम तो ये भी जानते हैं कि आप कौन हैं, किसकी बेटी हैं, और आपकी शादी कहाँ होने वाली है। कहिए, लड़का कैसे लगा? मुझे क्या मालूम, मैंने तो इसकी सूरत तक नहीं देखी। तो आप देख लीजिए ना। आप? जी हाँ, आपके पिताजी श्री आत्माराम के दोस्त श्रीमान रामलाल जी के सुपुत्र
और आपके मंगेतर श्री उत रवि कुमार। आपका मतलब आप? जी हाँ, मैं। वरना मैं बॉडीगार्ड की तरह आपका पीछा करता रहूं? लेकिन तुमने अपने आप को मुझसे छुपाए क्यों रखा? क्या करता, तुम्हारी आंखों पे फिल्मी दुनिया की चमक धमक का पर्दा पड़ा हुआ है। मैंने सोचा जिंदगी की राह में दो चार ठोकरें खाओगे, अपने आप समझ जाओगे। आखिरकार सोना गलकर ही तो जेवर बनता है। खैर छोड़ो इन बातों, ये बताइए मंगेतर कैसा लगा? अगर मंगेतर ना भी होते तो भी अच्छे लगते। अच्छा, अरे कोई आ रहा है शायद। अरे कोई क्या, वही अपने बस वाले साथी हैं। बहुत डिफिकल्टी होती थी अमित जी को, और एक गाने में तो उनकी हालत खराब हो गई थी, वो है ना देखा ना है रे। फिल्म संजोग भी आई, संजोग भी आई थी। जी हाँ, आपके साथ संजोग में वो पत्नी के किरदार इसके बाद थी, बॉम्बे टुकोआ के बाद। उसमें पत्नी वाला जो रोल था ना, वो इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं बड़बड़ करते जा रही हूँ, डायलॉग बोलते जा रही हूँ, बच्चे को नहला रही हूँ, साबुन लगा रही हूँ, दो चपड़ियां लगा रही हूँ, यू नो, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सीन था। चोर को सब चोर नजर आते हैं, कहते हैं कि इन्होंने रिश्वत ली है, अगर ये रिश्वत लेते तो आज मैं भी गाड़ी में घूमती। उठ, तनख्वाह कमाई 30 दिन में और खत्म हो गई 3 दिन में, ढेला नहीं बचा। 27 दिन बाकी है, न जाने कैसे खर्चा चलेगा। सीधी खड़ी रहना, भगवान जाने ये बच्चे कब बड़े होंगे और कब कमाने लगेंगे। माँ ये रमेश है, इसकी माँ कलेक्टर है। आओ बेटे। माँ तुम कितने पैसों से सुखी हो जाओगी, बोलो कितने रुपए कमा के लाओ। उस दिन को बहुत दिन है बेटा। अगर मैंने 1000 रुपए कमाए तो काफी है, वो भी एक महीने में नहीं एक दिन में। 1000 रुपए एक दिन में? सच कह रहा हूँ माँ, आंखें बंद करो, करो ना, हाथ फैलाओ, अब आंखें खोलो, देखो मैंने 1000 रुपए कमाए। 1000 रुपए और तूने कमाए? जी हाँ, मेरी मम्मी ने हम दोनों से गणित का एक सवाल पूछा और कहा जो सही जवाब देगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। सुरेश ने सही जवाब देकर इनाम जीत लिया। तुम्हारी मम्मी ने एक सवाल हल करने के लिए 1000 रुपए दिए? हाँ माँ, उन्होंने कहा अपनी माँ को दे देना, घर खर्च के लिए रख लेंगी। घर खर्च के लिए, अब समझे। अच्छा बेटे, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ। माँ ये गणित में बिल्कुल कच्चा है। तू चुप रह। रमेश तुम्हारी मम्मी कलेक्टर है ना? जी हाँ। एक दिन उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली जाना था। तुम्हारे घर में पहरेदार है ना? हाँ है। पहरेदार ने आकर कहा कि मालकिन मैंने कल रात को सपना देखा था कि आप जिस हवाई जहाज से जा रही हैं उस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, आप उस हवाई जहाज से मत जाइए। दूसरे दिन उसकी बात सच हो गई, उस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी मम्मी एकदम हैरत में रह गई और उन्होंने फौरन पहरेदार को बुला भेजा। पहरेदार ने उनकी जान बचाई इसलिए उन्होंने उसे इनाम दिया होगा। यही तो सवाल है, उन्होंने उसे काम पे से हटा दिया, बताओ क्यों? माँ तुम सवाल पूछ रही हो या कहानी सुना रही हो? सवाल का जवाब दो। चलो, रमेश की मम्मी ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं बताता हूँ। बताओ। पहरेदार पहरा देने के बजाय सोता था, रात को सपने देखता था, इसलिए उसे काम पे से हटा दिया, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। सुरेश फेल और रमेश पास। रमेश तुम जीत गए, ये लो 1000 रुपया इनाम, अपनी मम्मी को देना और कहना कि गाड़ी में पेट्रोल डालने को रख रहे। ये क्या माँ, तुमने उसे जिता दिया? हाँ बेटा, वो जीते इसीलिए मैंने बड़े आदमियों की पहली बुझाई थी। तू बेचारा क्या जाने ये हवाई जहाज पहरेदार क्या रेसों के दूसरे चोर से। तू जा, अगर वो अपने आप को शेर समझती है तो मैं भी सवा शेर हूँ। पिताजी सुना आपने, उस दिन तो आप कह रहे थे उस कलेक्टर ने को इनसे जरा भी हमदर्दी होती तो इन्हें काम से मुअत्तली क्यों करती। लेकिन पिताजी उसकी चाल को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। एक तरफ तो इन्हें काम से मुअत्तल करती है और दूसरी तरफ लड़के के हाथ रुपए भेजती है, लेकिन वो भूल गई कि शेर भूखा मर जाएगा मगर घास कभी नहीं खाएगा। बढ़िया घर खर्च के लिए रुपए भेजने वाली। और मनोज कुमार जी के साथ भी आपने काम किया, फिल्म किया, उन्होंने पहली कलर फिल्म में मुझे ब्रेक दिया, दैट वाज उपकार। तो मुझे लगता था हम लोग कलर फिल्म में काम करने जा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी तब, तो बहुत अच्छा लगा था। इट वाज अ वेरी स्मॉल रोल बट बहुत इम्पैक्टफुल और अच्छा रोल था जी। और उसका वो गाना पंडित जी मेरे मरने के बाद, हाँ फिर उसके बाद तो मनोज जी ने मेरे को अपने पिक्चर में हमेशा काम दिया। पंडित जी मेरे मरने के बाद गाने ने तो मुझे इतना पॉपुलर कर दिया, गाना ही बहुत अच्छा था, आज भी लोग याद करते हैं उसको। मनोज कुमार जी की कुछ बातें अगर। मनोज जी इज अ क्लासिक डायरेक्टर, इतना अच्छा कैमरा घुमाना करना, राउंड ट्रॉली शॉट वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किए और उन्होंने ही मतलब टेकिंग करना तो मनोज जी कमाल की टेकिंग करते थे और स्क्रिप्ट में भी उतने ही अच्छे थे। वेरी गुड डायरेक्टर, अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग।
मैम, ये जब गाना फिल्माया गया पंडित जी मेरे मरने के बाद, तो ये हमने देखा है कि काफी गांव का सीन है और इसमें काफी इस तरह के भूसे भूसे लगाए गए हैं। हाँ, वो इधर ही किया था हमने, बॉम्बे में ही चांदीवली स्टूडियो में उन्होंने सेट लगाया था, वहीं किया था जी। बहुत ही बेबाक सॉन्ग था वो। और इसके बाद हम देखते हैं कि 80 के दशक में थोड़ा सा आप चरित्र अभिनय की तरफ आपका झुकाव हो गया जी। और उसके बाद बहुत अच्छी फिल्म आई कुदरत, सत्तो का आपने रोल किया। हाँ। और बहुत ही बढ़िया इसी सीरीज में फिल्म आई अंगूर। कुदरत में जब मैंने पहली बार ओल्ड गेटअप किया था, सबसे पहला जैसे वो मेकअप मैंने सब कर दिया और अभी उन्होंने हाथ में आईना दिया देखने को, आई सेड मम्मा आई लुक्ड एग्जैक्टली लाइक माय मॉम। और ये फिल्म भी रही बहुत सुपरहिट, हमें तुमसे प्यार कितना, और मुझे वही गाना मिला। इट वाज सो डिफिकल्ट क्योंकि वो सिंगर करना था, सिंगर लोग के एक्शन, एक तो मैं डांसर जी, तो मुझे घबराहट भी हो रही थी कहीं डांस ना हो जाए, जो हाथ उठा के उसकी मुर्कियां लेना करना जो होता था ना उनका, पर इतना ही है कि हम जब डांसर होके हम ऐसे करते हैं तो साथ साथ मुंडी भी घूमती है, बट व्हेन दे डू लाइक दिस वो अपने आवाज को मोड़ते हैं, वो एक हाथ उठा के, हर सिंगर आप देखिए जब भी गाता है तो एक हाथ उनका चलते ही रहता है कि तुम मैं, वो जब किसी शब्द को फेंकना चाहते हैं या मुर्की देना चाहते हैं तब वो हाथ वात का एक्सप्रेशन देते हैं। इट्स रियली वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिंग दैट सॉन्ग, पहले पहले तो डर लगा कि नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए डांसर है, बट इट हेल्प्ड। और अनोखी रात एक फिल्म जिसके बारे में हमने बात किया, तो वो संजीव कुमार जी उसमें थे, प्लस फिल्म अंगूर में भी संजीव कुमार जी आपके जी, हाँ। साथ थे, जिसमें आपने पद्मा का किरदार फिल्म की, मन मंदिर में भी तो वही थे। हाँ जी, तो संजीव कुमार जी के बारे में अगर, संजीव कुमार एक सुपर फाइन एक्टर, हम स्टेज में साथ में ही काम करते थे, ही वॉज ऑल्सो स्टेज एक्टर, मैं भी तब स्टेज पे काम करती थी, तो कभी मिलना जुलना होता था, मेरी बहुत उड़ाते थे, मस्ती करते थे मेरी एंड ऑल दैट, और बड़े संजीदा रोल हमने उनके देखे हैं, तो क्या वो उस तरह के संजीदा थे? बिल्कुल नहीं, जस्ट ऑपोजिट, दिन भर बैठ के किसकी खींचूं वो सोचते थे। He was very naughty. जी, और बायोग्राफिकल फिल्म आती है बहुत बड़ी 1986 में, नाचे मयूरी, जिसमें आपने बहुत बहुत ही अच्छा जी, लेकिन वो प्रसिद्ध हुआ जी वो रोल, दैट इज ऑल्सो नाइस यू नो, बट उस पिक्चर में मैं एक ऐसे पर्सन से मिली जो मेरी जिंदगी का आइडल बना, एंड दैट इज सुधा चंद्रन। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई डेढ़ पैर से नाचने की सोच सकता है, मैं तो शायद होती तो कहीं डिप्रेस्ड होके कोई कोना पकड़ के मेरी जिंदगी खत्म हो गई होती, बट हैट्स ऑफ टू सुधा चंद्रन, डेढ़ पे भी उन्होंने ये किया, संकल्प लिया कि मैं नाचूंगी और नाचूंगी, स्टेज परफॉर्मेंस करती है दो दो घंटे के, उस डेढ़ पैर से आप सोचिए इतनी हिम्मत आप में या मुझ में है क्या। बिल्कुल, आई लव यू सुधा जी फॉर इट मैम। और आपको यहाँ थोड़ी सी बात बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सुधा चंद्रन जी को भी इंटरव्यू किया, ऐसा मुझे सौभाग्य मिला, मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगा उनसे बातचीत करके जी, बहुत एज अ ग्रेट ह्यूमन बींग शी इज। तो मैम, उसके बाद फिल्म आती है आपकी 80 के ही दशक में, खून पसीना, वो बहुत अच्छा रोल था मेरा असरानी जी के साथ, या जी है कॉमेडी रोल था, लेकिन कुछ सीन्स उसके थे कि मतलब ऐसे जैसे वो औरत काट डालेगी, इतना जोश उसमें बताया था, आई लव डूइंग इट जी। और असरानी जी थे, एक और फिल्म घर एक मंदिर, जिसमें आपने राम कटोरी का बहुत ही बढ़िया रोल अदा किया। अरे आहिस्ता राम कटोरी, हम होने वाले बच्चे की माँ पड़ोस वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, हम तो लुट गए। अरे सारा नुकसान तो हमरा हुई गवा ना। नहीं, हमरा कौनो नुकसान नहीं हुआ है, देखना। अरे हम भी गंगू पहलवान का बेटी हैं। अरे हमरे बाप ने हमका एक से एक तेल बनाना सिखाया है, तेल। अब देखो अब हम तुमका कहाँ से कहाँ बनाते हैं, सबसे पहला, हाँ सबसे पहला हम तुमका करेले का रस पिलाते हैं। आए करेले का रस, हाँ नीम की छाव में बैठ कर पीस पीस करी करेले का रस निकाला है, ये पीकर तुम भी इन पहलवान जैसन हो जाओगे, लो पीलो घसीट जाओ। अरे फिर का है ये करेले का रस, तो ये इतनी सारी भाषाओं में आपने फिल्म भी करी है, मलयालम में भी करी है, गुजराती में भी करी है, हिंदी में भी करी है, कोई लैंग्वेज तो नहीं छोड़ी आज तक,
एक सिंधी लैंग्वेज की कोई फिल्म नहीं की? पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ओ गॉड, और कोई बाकी बचे? और जब आप आती हैं 80 के दशक की तरफ, तो इस वक्त तक तो काफी कुछ बदलाव आ गया था। हाँ। आपके जो रोल्स थे उसमें भी लेकर काफी बदलाव आया, तो ये बदलाव जब आपने देखा तो किस तरह से आपकी चॉइस रहती थी फिल्मों को लेकर के? नहीं, फिर कोई चॉइस नहीं रहने लगी जी। फिर काम करना है और ये डिफरेंट रोल आया, ये वैम्पिश है, चलो ओ ये ग्लैमरस है, ये करते हैं। फिर कोई इमोशनल आ जाता था। आई वॉज सो लकी कि मुझे हर किस्म के रोल करने का मौका मिला। आई वॉज नेवर टाइप्ड कि ये माँ ही बने या बेटी ही बने या बहू ही बने। एवरी रोल आई वॉज गिवन इन दोज टाइम। आई रिमेम्बर जब अमजद आए थे, उसके साल डेढ़ साल बाद मैंने उनकी माँ का रोल किया। इन माई 40s, जब मैं 40 की थी तब मैंने उनकी मदर का रोल किया था। उसके बाद मैंने कादर खान जी, वो तो मेरी इतने उड़ाते थे कि मेरे को बोलते थे आज तू कौन सा रोल कर रही है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है या मेरी गर्लफ्रेंड है। हर किस्म के रोल मैंने उनके साथ किए, उनकी माँ का भी रोल किया। और फिर राजा बाबू और अनाड़ी नंबर वन और ये सब फिल्में आती रही। और उसके बाद अरुण जी, हमने देखा कि आपने कुकु कोहली साहब की बहुत सारी फिल्मों में किया, और उसके पहले जो फिल्म आई बहुत बेटा, सारी फिल्म नहीं की जी, पहले कोहराम की, उसके बाद उनकी सुहाग की, भूल और कांटे की जी, तीन एक फिल्म। राजा बाबू वॉज डेविड धवन, बहुत अच्छा रोल था मेरा वो। मुझे अगर आप पूछो एज एन एक्टर, तो मुझे वो बेटा से भी ज्यादा अच्छा लगता था रोल। वाई? बिकॉज इट हैड वैरायटी। सिर्फ एक खीर नहीं है आपके प्लेट में, आपके पास सब कुछ है। मतलब ये कॉमेडी भी करती है, बेटे के साथ इमोशनल भी है, गुस्से वाली भी है, प्यार वाली भी है, और जहां उसको लगता है कि, हालांकि सौतेला बेटा है वो, ही वॉज नॉट माई सगा बेटा इन द फिल्म, तो एक सौतेली माँ इतना प्यार वाली, जितना बेटा कॉन्ट्रास्ट थी कि एक सौतेली माँ कैसे बर्बाद करती है उसको, ये उतना ही उसको फेवर करती है। तो मुझे बहुत मजा आया था। ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम इस हालत में देखे, यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा, वो गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होकर नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता, 1 बजे तो सो के उठता है, 1 बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबू। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। ये सुनो, मैं भी खाऊं? हां आप खाइए। अच्छा खाइए। अरे अरे थूक, मैं कहती हूँ थूक। ये नौकर लोग भी ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों थूका? माँ ने कहा ना। क्यों ये? तुमने इसको थूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तो क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, थूका इसको दिया। तो ये रोल कितना आपके लिए टफ रहा, क्योंकि इंद्र कुमार जी की ये फिल्म? जी हाँ, इंद्र कुमार थे आपके ब्रदर। बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था, ये रोल पहले कोई और कर रहा था, तो एक दिन वो मेरे पास आया, मुझसे फोन करवाए, शर्मिला जी को, माला जी को, वहीदा जी को, कि भाई मेरा ब्रदर फिल्म बना रहा है, तो तब उसका इतना नाम नहीं था, तो आप करिए। तो किसी ने भी वो रोल नहीं हाथ लगाया। तो एक दिन आया मेरे पास कि आप भारतीय अचरेकल वाला रोल, हम वो शूटिंग शुरू करते हैं। आई सेड, जो अनुपम जी के सामने था, तो आई सेड नो, आई विल नॉट डू दैट रोल बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी माय रोल। आई सेड कौन सा रोल? द मेन मदर्स रोल। आई सेड नहीं नबीन, आपकी इमेज जो है आजकल, क्योंकि मैं असरानी जी, शक्ति जी और कादर जी, हम सब लोग एक अलग ही चिपोड़े टाइप के रोल्स करते थे, तो वो उसको बहुत डर लगने लगा। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, अगर मुझे तुझे यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं परफॉर्म कर पाती हूँ, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से क्विट करने का टाइम आ गया है मेरा, एंड आई वॉन्ट टू क्विट द फिल्म इंडस्ट्री, आई विल क्विट द फिल्म, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस रोल, तेरी पिक्चर में तो नहीं करूँगी, भगा दिया। दूसरे दिन ही केम बैक एंड ही सेड, नहीं अरुणा बेन, यू आर वेरी राइट, आई थिंक। मैंने फिर मेरा रोना चालू हो गया, नो इमोशंस में आके तू मेरे को बोल रहे कर, मेरा नेचुरली
जब कोई मुझे डांटता है, मुझसे झगड़ता है ना, तो मैं भी मुक्का मारती हूँ, पर कोई मुझसे हथियार डाल देता है ना, वहां मेरा रोना निकल आता है। आई एम ऑपोजिट। तो जैसे उसने हथियार डाल दिया, उसने कहा नहीं 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 मेरे को नहीं, तू जस्ट मैं बोल रही हूँ करके, नहीं तेरी करियर का पहली फिल्म है ये, तो यू डोंट यू सी योर करियर, ये वो रोना। बोले नहीं, मैं गया था शबाना जी और जावेद जी के पास और उन्होंने बोला कि आई थिंक अरुणा इज वेरी राइट, ये उसी के लायक है ये रोल एंड शी विल डू इट। फिर उसने बहुत कन्विंस किया मुझे, मैंने भी रो रो के हाँ हाँ कर दी फर्स्ट डे। और मुझे आई थैंक कि मेरे भाई ने पहले से वो रोल नहीं दिया, मैं नहीं इतना अच्छा कर पाती, बिकॉज आई कुड डू इट बेटर, क्योंकि मेरे अंदर जो खुन्नस होती थी ना, जो मेरी आंखों में दिखती थी, मैं वो हर बार ये सोचती थी आई विल प्रूव यू, आई विल शो द वर्ल्ड व्हाट आई एम। वो खुन्नस जो मेरी आंखों में आती थी ना, वो मेरे रोल को बहुत हेल्प कर गई। आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, बस वही सोचना कि मेरे को इस लायक नहीं समझा तुमने, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो जो खुन्नस थी दैट मेड दिस कैरेक्टर। और फिल्म बहुत सुपरहिट थी, काफी नाम मिला, मेरा करियर चेंज हुआ यहाँ बहुत। और जरा सी बात कर लेते हैं स्टंट्स के बारे में, आपने बहुत अच्छी फाइट करी है फकीरा में। और थोड़ा सा छोड़िए, मैं गुजराती फिल्में करती थी, वहां क्या करते थे ये लोग, अमित जी के जो भी फिल्में होती थी उसको लेडीज वर्जन कर देते थे, जैसे मजबूर है, जैसे दीवार है, जैसे कोई भी फिल्म है उनकी आती थी, जैसे सुपर हिट हुई वो लेडीज वर्जन में बन जाती थी अरुणा ईरानी को लेकर। तो मेरे साथ साथ आठ आठ फाइटें होती थी फिल्मों में, साथ साथ आठ एक गाने होते जी, हमने देखा है जी। और हर गुजराती फिल्म में मुझे गुजरात के अवार्ड्स मिले हैं, स्टेट अवार्ड्स, मेरे पास सात आठ स्टेट अवार्ड्स हैं गुजराती फिल्म के, जितने साल मैंने किया हर साल मुझे गुजरात स्टेट का अवार्ड मिला, थैंक देम फॉर दिस। और जैसे जैसे समय बीतता गया आपका करियर भी उठान पे रहा और आपका नाम बढ़ता 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 चला गया, तो उस वक्त जब आप इतना आगे बढ़ रही थी तब आपको रोल्स को लेकर के ये नहीं लगा कि जैसे फिल्म बेटा में रोल देखिए मतलब इससे मेरा करियर पीछे भी जा सकता है, या कुछ चॉइस इस तरह की होती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत हिम्मत वाली हूँ मैं, हर चीज बड़ी हिम्मत से करती थी मैं। वैसे लोगों ने मुझे कहा कि कारवा और बॉबी डुगुआ साथ में रिलीज हुई थी और दोनों सुपरहिट हुई थी, एंड आई वेटेड फॉर 2 years, नो बडी केम। हम तो तब मेरा करियर की शुरुआत, मुझे लगा कि अब तो मैं बस जीत जाऊंगी जग। हमने कप सॉसर्स वगैरह नए खरीदे, पीपल प्रोड्यूसर्स घर आएंगे तो हम उनको चाय पिलाएंगे, तो इट हैज टू बी नाइस एंड ऑल दैट, कोई भी नहीं आया मेरे पास। उसके बाद मैंने जो अपनी करियर शुरू की वापस से, वो एक मराठी फिल्म से शुरू की, आंधड़ा मार तो डोड़ा, ये फिल्म थी दादा कोंडके जी की, उसमें एक सिर्फ गाना था। मुझे लगा कि मुझे वापस कम बैक करना है, मैं स्टूडियो में कैसे जाऊं, कैसे दिखूं कि मैं हूं, किसी के ऑफिस में काम मांगने जाऊं मेरे लिए बहुत लेट डाउन रहेगा, तो स्टूडियो में दिखूंगी तो लोगों को याद रहेगा कि अरे अरुणा हाँ है। तो वो दोनों पिक्चर सुपरहिट होने के बाद 2.5 साल में बस कोई काम नहीं रहा, फर्स्ट फिल्म आई डिड वाज दिस आंधड़ा मार तो डोड़ो, वो भी एक मराठी फिल्म। उसके बाद उसी स्टूडियो में राजकुमार जी ने मुझे देखा, राजकुमार कोहली जी ने, उन्होंने बोला अरुणा तू यार काम कर रही है, मैंने कहा मतलब काम तो कर ही रही हूँ ना, तो उन्होंने अपनी पिक्चर में एक कैबरे करवाया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं हीरोइन थी और आज मैं ये कर रही हूँ और ये कर रही हूँ, मैं हिम्मत से आगे बढ़ी। और यही चीज हमने देखी है फिल्म लव स्टोरी में, गेस्ट अपीयरेंस में आपका गाना है क्या गजब करते हो जी प्यार से डरते हो जी, और आज तक हम लोग उस गाने को गुनगुनाते हैं। अरुणा जी उस गाने में सिर्फ हमने आपको एक्ट करते देखा और वो गाना आज भी आपका बहुत याद किया जाता है। तो एक छोटे से छोटा रोल भी जो आपका था वो आपने इतनी अच्छी तरह से उसको निभाया कि लोगों के दिल में पूरी तरह से आप उतर गई, और ऐसा उतरी कि आज तक भी कोई नहीं भूल पाया और हम भूलना भी नहीं चाहते हैं। अरुणा जी आज जिनको हम जानते हैं वो हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और बहुत अच्छी अभिनेत्री। अरुणा जी अपनी फिल्मों के बारे में कुछ बताइए जो फिल्में आपकी मतलब एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ रही हैं। एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैंने ये 2 ही फिल्में की, एक तो की मैंने अनाड़ी नंबर 1 और दूसरी की मैंने ये दिल है आशिकाना। अनाड़ी नंबर 1 मेरी 100 डेज चली और ये दिल आशिकाना जुबली हुई,
सो आई एम वेरी हैप्पी. और दोनों इस पिक्चर का तो दिल आशिकाना का तो म्यूजिक क्या सुपर डुपर हिट हो. वो सारी फिल्मों में भले ही आपने उस पर नृत्य किया या जैसा नहीं, लेकिन बहुत फूल और कांटे भी आप देखे, उसका भी म्यूजिक अच्छा था, हकीकत का म्यूजिक अच्छा था. उनको भगवान की देन थी. मतलब एक शौक होता है ना बचपन से, आपको डायरेक्टर बन गए हैं आप, लेकिन बचपन से ही यूज टू प्ले वायलिन एंड ऑल दैट, एंड ही यूज टू बी विद प्यारेलाल जी, और प्यारेलाल जी के डैड उनके गुरु थे, और फिर कोहली साहब, जीएस कोहली साहब उनके अंकल थे. तो वहाँ वो जाके उनके साथ दिन भर बच्चे एज ए चाइल्ड बैठे रहते थे, तो सीखते थे. तो उनसे सीखने के बाद एक नॉलेज उनकी बढ़ गई. तो आज भी कुक्कू जी की म्यूजिक के तरफ ना बहुत अच्छी नॉलेज है जी. और कुक्कू जी एज अ डायरेक्टर और आप एज अ प्रोड्यूसर, तो कभी घर में कोई नहीं, वो तो होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर का 19-20 चलता ही रहता है. मैं चाहती हूँ कि जल्दी काम खत्म करो, और डायरेक्टर को लगता है ए आई विल टेक माय टाइम, हाँ ऐसा वो चलता है. अब एक बड़ी पर्सनल क्वेश्चन पूछते, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाती हैं जी? बिल्कुल अपनी ही फैमिली के साथ, कभी भी नहीं मनाया मैंने किसी के साथ. मेरी फैमिली, हमारे 8 भाई बहन, उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, दैट्स ऑल. हमने कभी कोई पार्टी जिंदगी में नहीं दी. मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पार्टी हुई थी, जब मैंने अपनी बहन की शादी की थी, तब वही 2 पार्टियां जो हमने दी थी, उसके बाद आगे ना पीछे कभी नहीं दी. नॉर्मली लोग पार्टियों में बहुत पैसा उड़ाते हैं, ये करते हैं, हमने कभी नहीं किया. एंड मेरी जिंदगी का फंडा बहुत सिंपल रहा है, आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यार, मेरे को देखना, मेरी गाड़ी को क्या देखता है. बट हाँ, आजकल जो जनरेशन आती है ना, बेचारों की हस्ती नहीं होती, एंटर करते ले लेते और इसकी EMI भरते भरते उनकी कमर टूट जाती है, और कभी बीच में शो बंद हो जाता है तो दे आर डेड, कि वो करें क्या. तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को बनाओ. बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए. आप चलोगे तो कोई ना कोई मंजिल मिल जाए. अगर मैं यहाँ बैठ गई तो कुछ नहीं होने वाला. आज भी इस उम्र में भी मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ चलना है. लास्ट डे मेरी जिंदगी का हो, वो भी इस चलने में ही हो, मैं तो प्रभु से बस इतनी ही प्रार्थना करूंगी जी. आई डोंट वॉन्ट टू सिट डाउन. और खास कर एक ये एज होती है आपकी, 70 के बाद अब क्या करोगे घर में बैठ के? ब्रूडिंग करोगे? ओ माँ घुटना दुख रहा है, अरे नहीं यार आज तो कमर भी दुख रही है, अरे आज तो ये भी हो रहा है, यही करते हो आप घर बैठ के. नेवर रिटायर इन लाइफ, ये मेरा मोटो है. और मेरे ख्याल से जो कॉमन जिंदगी, मैं एक फिल्म एक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर फिल्म एक्टर को रिटायर नहीं होना चाहिए. आपको भी, आप भी जो काम कर रही हैं, हाउसवाइफ भी है, शी शुड ऑल्सो नॉट रिटायर कि क्या जी अब तो बूढ़े हो गए बैठ जाओ. नहीं, चलते रहो, प्रभु जब तक तुम्हें साथ देता है चलते रहो जी. आपकी फिटनेस का राज यही, चलते रहो यही जी, जी, जी. और बस चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहूंगी कि देखो, जिंदगी में हमेशा ना थोड़ा कंटेंट फील करना सीखो. हाँ, आशा जरूर रखो आसमान पे जाने की, पर आप जितना कर पाते हो, मान लीजिए मुझे प्लेन खरीदना है पर आज मेरे पास साइकिल तो है, जरा पीछे मुड़ के देखो कोई पैदल जा रहा है, और उससे वाला तो बस में जा रहा है, और उससे बुरा तो बेचारा पैदल जा रहा है. उन सबसे आप कितने अच्छे हो ये सोचो. डिप्रेशन को जिंदगी में कभी आने मत दो. श्रोताओ, ये थी हमारी खास मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर यानी निर्माता, निर्देशक अरुणा ईरानी जी से. एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन अभिनेत्री. वक्त किसी मोड़ पर हमें फिर उनसे मिलाएगा, इसी वादे इसी इरादे के साथ आज के इस कार्यक्रम. नहीं, हम बंद नहीं करेंगे. इसी इरादे के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आपने मुझे हर रोल में देखा है, सराहा है, प्यार किया है, एज ए ह्यूमन बींग मुझसे प्यार किया है. बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे आखिरी दिन तक मुझे ये प्यार चाहिए. थैंक यू. और हमें भी आगे आपसे बातचीत करने का मौका भी चाहिए अरुणा जी. बिल्कुल, ये वादा हम आपसे अभी ही ले लेते हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, और एक बार फिर बहुत अच्छी सी अरुणा जी से फिर एक खास मुलाकात करेंगे, इसी वादे इसी इरादे के साथ. और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और मेरा बहुत बहुत प्यार. उजाले उनकी यादों के श्रोताओं,
इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अरुणा ईरानी से संगीता श्रीवास्तव की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे भावना सिंदल और दिवाकर द्विवेदी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। बाकी 6 दिन होते हैं, 6 और मजेदार प्रोग्राम, यानी हर दिन सुनते रहिएगा पिटारा।